नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पांचाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रैगो स्टडी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, उसको दबा देना है ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। हरियाणा सरकार के अंतर्गत जितने भी ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, ठीक है, ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। यहाँ पर देखिए, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ओर से। ये किसको भेजा गया है? जो हरियाणा गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी के हेड हैं, और जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं और डिप्टी कमिश्नर्स हैं स्टेट ऑफ हरियाणा के, इन सभी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। 23 फरवरी 2021 का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर देखिए, जो इसका सब्जेक्ट है वो है ग्रुप डी के जो एम्प्लॉय हैं उनके ट्रांसफ़र से रिलेटेड। जी हाँ, तो अब वो अपना ट्रांसफ़र करवा सकेंगे, उनके पास एक मौका रहेगा। तो यहाँ पर एक जो उनकी मांग रही है कि हमारा ट्रांसफ़र करा जाए, या फिर हमारा जो डिपार्टमेंट है वो चेंज किया जाए, या पोस्ट जो है ग्रुप डी में, जैसे अलग अलग कुक की है, बार्बर की है, कोबलर की है, इस तरह की जो पोस्ट हैं या जो भी इनको पोस्ट मिली है उनमें जो दूसरी पोस्ट वो ट्रांसफ़र चाहते हैं ये वो उन्हें मिले, तो उसके लिए अब सरकार ने जो एक कदम आगे बढ़ाया है। यहाँ पर देखिए, इन्हें मौका मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्हें नौकरी मिली ग्रुप डी में, लेकिन जो उनकी क्वालिफिकेशन थी उसके हिसाब से उनकी जो जॉब है वो नहीं लग पाई, या फिर जिस टेक्निकल योग्यता को वो रखते थे उस तरह की जॉब उनको नहीं मिल पाई। तो अब यहाँ पर देखिए, जो उनके लिए अच्छी खबर है कि अब 1 मार्च 2021 से लेकर 15 मार्च 2021 तक जो आपके पास मौका है, तो अब जो है यहाँ पर जो ट्रांसफर का ड्राइव है वो शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, ठीक है, हो जाएगा 1 मार्च से। तो HSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप ये जो है इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, कि ताकि आप अपना जो ट्रांसफ़र है वो करवा सकें, डिपार्टमेंट चेंज करवा सकें, ठीक है, या पोस्ट जो है ग्रुप डी के अंतर्गत जितनी है उनमें किसी पोस्ट पर जो आप चेंज करवा सकें। तो देखिए, आपके जो डिपार्टमेंट के हेड है उनसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत तो आपको नहीं पड़ेगी, यानी आप डायरेक्ट इस पर जो है अप्लाई कर सकेंगे। तो एक चीज़ है, यहाँ पर जो ESP कोटा से जो लगे हैं उनको जो है यहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा कि वो अपना डिपार्टमेंट या पोस्ट वो चेंज कर सके, क्योंकि उनका मामला कोर्ट में भी चल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ पर देखिए, जो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, यानी कि पहले किसको मौका दिया जाएगा अपना डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए, यहाँ पर एक लिस्ट यहाँ पे जारी करी गई है। देखिए, तो जो पहला मौका है वो मिलेगा जो हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, वो अगर उनकी वैकेंसी खाली पड़ी है और वो वहाँ पर जाना चाहें तो उनको मौका पहले दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, जो विडो हैं यानी कि जो विधवा महिलाएं हैं, ठीक है, या फिर जो पुरुष भी ऐसे हैं जिनकी शादी टूट गई है, ऐसे कोई हैं और उन्होंने अभी तक शादी नहीं करी है, तो उनको मौका उसके बाद मिलेगा, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर किन्हें मौका दिया जाएगा, अनमैरिड जो फीमेल एम्प्लॉय है वह अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर्स, जो अनमैरिड जिन्होंने अभी तक शादी नहीं करी है और वो 30 साल की उम्र पार कर चुकी हैं, उसके बाद उन्हें मौका दिया जाएगा तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर मौका मिलेगा डाइवोर्स्ड फीमेल एम्प्लॉय, प्रोवाइडेड शी हैज़ नॉट रीमैरिड, जो डाइवोर्स जिनका हो चुका है, जिन महिलाओं का, और उन्होंने अभी तक शादी नहीं करी है, उसके बाद उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद जो यहाँ पर जो सेना में जो कार्यरत हैं, जो सैनिक हैं, उनकी जो पत्नियां हैं उनको भी जो इसमें मौका मिलेगा उसके बाद, ठीक है। फिर नंबर आता है पर्संस हुआ टेम्परेली मेडिकली अनफिट फॉर द प्रेजेंट पोस्ट, जिस जॉब पर अभी वो कार्य कर रहा है कोई, उस पर अगर वो मेडिकली अनफिट है उस पोस्ट के लिए तो उसको भी मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपना सिविल सर्जन की ओर से। उसके बाद जो है किसको प्रायोरिटी मिलने वाली है, वो है पर्सन्स अपॉइंटेड टू ए टेक्निकल और सेमी टेक्निकल पोस्ट, द लिस्ट ऑफ टेक्निकल पोस्ट इज इंक्लोज्ड एट एनेक्सर ए। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिसमें टेक्निकल पोस्टों के बारे में बताया गया है कि हाँ, ये टेक्निकल पोस्ट हैं, तो इनको भी मौका जो है दिया जाएगा। अब इसके बाद जो मौका है वो मिलेगा कपल के सपोज इज आल्सो इन सर्विस इन डिपार्टमेंट, अगर कोई उनका, यहाँ पर देखिए, कोई ऐसी कपल है जिनका यहाँ पर उनका साथी हरियाणा सरकार में ही कार्य कर रहा है और उसी के नज़दीक में कहीं वो अपनी ज्वाइनिंग जो है करवाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो उनको भी मौका दिया जाएगा। उसके बाद मौका आएगा फीमेल एम्प्लॉय, यानी कि जनरल की बात यहाँ पे कर लेते हैं, जनरल यानी सभी की बात है, यानी उनमें कोई इन जो ये पोस्ट की मैंने अभी ये सारी जो चीज़ें बताई हैं इनमें से कोई बात उनकी नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है, उनमें फीमेल को मौका मिलेगा। फिर सबसे लास्ट में मौका मिलेगा जो मेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, मेल एम्प्लॉय हैं। तो इस तरह से प्रेफरेंस रहेगी, इसके सीरियल वाइज नंबर जो मैंने अभी बताया है उसके हिसाब से इन्हें मौके दिए जाएंगे, ठीक है, अपनी पोस्ट चेंज करवाने के, डिपार्टमेंट चेंज करवाने के। तो आपके लिए अब मौका है, जो ग्रुप डी के एम्प्लॉई हैं
ये पूरी अपडेट रही है, ये नोटिस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, जहां पर आप इसको डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं, रूल रेगुलेशंस को आप अच्छे से जान सकते हैं। ये अपडेट है, अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक नई लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे।